हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। और ये मेरा एक सिंपल सा मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट रूटीन है विद माय 2 इयर्स ओल्ड सन अधर। और ये हम आ गए हैं टेरेस पर और इस सुबह का खूबसूरत व्यू है। यहाँ रात भर से बारिश लगी हुई थी और सुबह को नज़ारा बहुत ही अच्छा हो जाता है और वेदर भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आजकल डेली धूप बारिश लगी ही रहती है। तो सुबह का टाइम का वेदर बहुत अच्छा हो गया है इस टाइम। और ये मुझे कल ही एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि अदर के लिए इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट है, जो मैंने अभी उसको नहीं शेयर नहीं किया है। अब ये आने वाले वीडियो में आपके साथ भी शेयर करूंगी इसमें क्या है। और मेरे दिन की शुरुआत होती है सम ल्यूबॉम वाटर, 1 ग्लास ऑफ ल्यूबॉम वाटर विद लेमन। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आप सभी जानते ही हैं कितने अच्छे हैं। और ये भी मेरे मॉर्निंग रूटीन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, अपने पौधों को पानी देना, ताकि ये भी दिन भर की धूप और गर्मी बर्दाश्त कर सकें। और देखिए, अथर्व अभी सो रहा है और ये उसका प्यारा मिट्टू जो कि इसका फेवरेट है और ये हमेशा इसको अपने साथ में लेकर सोता है। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर सुबह को अपने मॉर्निंग हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं, क्लीनिंग मॉपिंग, अदर के उठने से पहले फिनिश कर लूँ फटाफट, क्योंकि अदर जब उठ जाता है तो उसके बाद में अच्छे से हो नहीं पाता है, वो पूरे टाइम में उसके साथ इंगेज हो जाती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने सारे काम पहले ही फिनिश कर लूँ, और क्लीनिंग के बाद होता है मेरा थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइम। बीइंग अ मदर हमें खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, और एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ दीस डेज। और ये मैंने कुछ रात बादाम भिगो कर रखे हुए थे, इनको भी मैं छील कर रख दूंगी, क्योंकि खाली पेट बादाम खाना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और फटाफट नहाने के बाद मैंने अपनी पूजा भी फिनिश कर ली है। और इसी बीच अधर भी सोकर उठ गया है, और देखिए उठने के बाद उसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। अभी तो काफ़ी देर तक तो वो आलस में रहेगा, नीचे खेलेगा, जमीन पर खेलेगा, और उसके बाद मैं उसको दूंगी थोड़ा सा पानी। मैं उठने के बाद उसको ल्यूबॉम वाटर देना प्रेफर करती हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनके पेट के लिए, उनके मोशंस के लिए, और अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बच्चों को सुबह उठकर पानी ज़रूर दें। और इसी बीच मैं उसके लिए दे रही हूँ बादाम, और वो अपना बादाम धीरे धीरे खाता रहेगा। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो अब इंडिपेंडेंटली खुद से खाना सीख रहा है, वो अब हर काम धीरे धीरे खुद से करना चाहता है कि ये मैं खुद से करूं। और अभी तो काफ़ी देर उसका ऐसी मस्ती टाइम आलस अभी काफ़ी देर चलता ही रहेगा। और इसी के साथ मैं जा रही हूँ किचन में अदर के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने। और ये अदर का ब्रश टाइम, अदर को ब्रश करना बहुत ही पसंद है, और हाथ में दो दो ब्रश लेके घूमता है वो। सुबह के टाइम में उसको मैं ब्रश दे देती हूँ और वो धीरे धीरे अपने मुंह घुमाता रहता है। उसी तरह से बच्चे सीखते भी हैं, वो अपनी नई नई चीज़ें डेली सीखना ही चाहते हैं, तो मैं उसको दे देती हूँ तो अपने मुँह में ब्रश घुमाता रहता है, उसको लगता है बहुत अच्छे से ब्रश कर रहा हूँ मैं। और ये मैं बनाने लगी हूँ अदर के लिए ब्रेकफास्ट, और इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। और सुबह को अदर के उठने के बाद मैं फटाफट ट्राई करती हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ। और मेरे घर में ज़्यादातर किड्स फ्रेंडली रेसिपीज़ ही बनती हैं, किड्स फ्रेंडली ब्रेकफास्ट बनता है ताकि अदर उनको इंजॉय कर सके, क्योंकि वो भी सारी चीज़ें उतने अच्छे से नहीं खाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं अपना मील प्लान करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट लंच रूटीन जो भी है मैं उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाती हूँ। तो अभी मैं इसकी फुल रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ आने वाले किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये मैंने बैटर बना के स्टार्ट कर दिए पैनकेक्स बनाना। और अदर फुल टाइम इस टाइम मेरे साथ किचन में ही रहता है, वो वेट करता है कि कब उसका ब्रेकफास्ट रेडी होगा और उसको मिलेगा। और ये मेरे पैनकेक्स बन के हो गए हैं रेडी, और इसको मैं सर्व कर दूँगी अदर को। और मैं इसके साथ कुछ फ्रूट्स भी देना प्रेफर करती हूँ, अदर बच्चों को फ्रूट्स भी देना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, सुबह को ब्रेकफास्ट में अगर देते हैं तो बहुत अच्छा है। और अब अदर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली खाना भी सीख रहा है और इंजॉय कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट। एंड आई होप आपको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।